गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंग्लिश। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 क्या है? द कायद विजन एंड पाकिस्तान। कायद का क्या विजन था, उनकी क्या सोच थी पाकिस्तान के बारे में, और हमारा पाकिस्तान है कैसा। प्री रीडिंग में आपके पास क्वेश्चन हैं। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द टेक्स्ट फ्रॉम द गिवन टाइटल एंड द पिक्चर। पिक्चर हमारे पास कायद आजम की है और टाइटल हम देख चुके हैं। शेयर द इन्फॉर्मेशन यू ऑलरेडी हैव अबाउट कायद आजम। दिस इज़ योर टास्क दैट यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ एंड योर टॉपिक इज़ कायद आजम। व्हाट वॉज द कायद रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान। कायद आजम का क्या किरदार था पाकिस्तान के फ्रीडम मूवमेंट में, कि कायद आजम ने किस तरह मुसलमानों को इकट्ठा किया और जो है वो पाकिस्तान बनाने के लिए जदोजहद की। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट्स विद ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमर्जेंस। कायद आजम मोहम्मद अली जना अंडर टुक अ कंट्री वाइड टूर। पाकिस्तान के बिल्कुल शुरू के जो दिन थे, जो बहुत ही मुश्किल दौर था हमारे लिए, उसमें कायद आजम ने क्या किया, उन्होंने पूरे मुल्क के दौरे किए। ही एम्ड एट राइजिंग पीपल्स स्पिरिट। उनका मकसद क्या था दौरे करने का, कि वो लोगों के हौसले को बढ़ाएं। उन्होंने क्या कहा, डू नॉट बी ओवरवेलम्ड विद द एनॉर्मिटी ऑफ द टास्क। अपने काम की ज्यादती से जो है वो आप घबराएं नहीं। ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर। लाहौर में एक स्पीच करते हुए उन्होंने ये कहा, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस बिल्डिंग देमसेल्व्स अप बाय शियर डिटर्मिनेशन एंड फोर्स ऑफ करेक्टर। हमारे पास बहुत सारी ऐसी जिंदा मिसालें हैं तारीख में, जहाँ पे लोगों ने अपने जद्दोजहद और अपने यकीन के बलबूते पर खुद को एक बेहतर कौम की तरह दुनिया के नक्शे पर उभारा। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटेरियल एंड सेकेंड टू नन। आप एक मजबूत मटेरियल के बने हुए हैं और आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कीप अप योर मोराल। खुद को गिरने ना दें, अपने हौसलों को बुलंद रखें। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम। हमें इन मुश्किलात का बहादुरी के साथ सामना करना है, ताकि हम पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत को बचा सकें। डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान। अपना काम करें और पाकिस्तान पर यकीन रखें। इट हैज़ कम टू स्टे। ये हमेशा रहने के लिए बना है। नेक्स्ट मैसेज में हमें बताया हुआ है, the entire journey of the great leader's struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of Muslim unity and the oneness as a nation. Pivot hota hai main point, idea, central idea. तो हमें बताया हुआ है कि कायद आजम की वो जो सारी मेहनत, सारी जद्दोजहद थी, वो किस लिए थी। उसका मेन काम क्या था, कि बरे सगीर के जो मुसलमान हैं उनको एक जो है वो मुत्तहिद कौम जो है वो बना दिया जाए। He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. उन्होंने पाकिस्तान का नज़रिया इतने आसान अल्फाज में बताया हुआ है, इतने साफ अल्फाज में बताया कि एक आम इंसान भी उसको समझ सकता है। We are a nation, उन्होंने क्या कहा कि हम एक कौम हैं। He affirmed 3 years before the birth of Pakistan. उन्होंने पाकिस्तान के क़याम से 3 साल पहले ही ये बता दिया था। विद आवर ऑन डिस्ट्रिक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नेम एंड नोमेनक्लेचर, सेंस ऑफ वैल्यूज एंड प्रोपोर्शन, लीगल लॉज एंड मॉरल कोड्स, कस्टम्स एंड कैलेंडर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस, इन शॉर्ट वी हैव आवर ऑन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ। उन्होंने क्या कहा कि हम वो कौम हैं जिनके अपना रहन सहन, अपनी ज़िंदगी है, हमारी अपनी ज़ुबान है, हमारी अपनी किताबें हैं, कहने को हमारा अपना एक तर्ज ज़िंदगी है, और हमें दूसरों के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, हम एक अलग कौम है। फिर हमें बताया हुआ है जी, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वॉज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, एनी अटेम्प्ट टू मर्ज देयर नेशनल एंड पोलिटिकल आइडेंटिटी विल बी स्ट्रांगली रिजिस्टेड। हमें यह बताया गया है कि मुसलमान जो हैं, पाकिस्तान के क़याम का वाहिद मकसद, जो असल मकसद था, वो क्या था, कि मुसलमान जो है वो एक अलग आज़ाद कौम है, और उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो शिनाख्त है, उसको अगर किसी और की शिनाख्त के साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी तो शदीद रद्दोमल का सामना करना पड़ेगा। कायद आजम वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीव। कायद आजम का जो है वो किरदार बहुत ही मजबूत था। ही फर्मली बिलीव दैट द न्यू इमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल्स वुड रिफॉर्म द सोसाइटी एज अ होल। उनका पुख्ता यकीन था, उनका पक्का यकीन था कि पाकिस्तान जिसको इस्लामी असूलों के मुताबिक बनाया गया है, वो पूरी दुनिया को जो है वो बदल देगा।
इन हिज ईद मैसेज सितंबर 1945 पाकिस्तान के बनने से पहले ही उन्होंने अपने ईद के पैगाम में क्या कहा, इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट कोड रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली। उन्होंने कहा कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें हमें सोसाइटी के अंदर रहने का तरीका भी सिखाया गया है, हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया गया है कि अगर हम अकेले हैं तो हमें क्या करना है और अगर हम सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ हमें किस किस्म का रवैया रखना है, उनको कैसे डील करना है। Today the Qaeds Pakistan is facing numerous challenges. We have forgotten how much struggle the Muslims had made under the dynamic leadership of Qaed Azam Muhammad Ali Jinnah. आज का जो पाकिस्तान है, कायद आज़म का पाकिस्तान, उसमें जो है हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम ये भूल गए हैं कि मुसलमानों ने कायद आज़म की आला क़्यादत के साय में जो है वो कितनी जद्दोजहद, कितनी मेहनत करके पाकिस्तान को हासिल किया था। वी कैन ओवरकम आवर प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़ बाई फॉलोइंग दी कायद्स गोल्डन मोटो। हम इन तमाम मुश्किलात को हल कर सकते हैं, इनका सामना कर सकते हैं इस सूरत में कि अगर हम कायद की इस बात को जहन में रखें। हमें जो सबक देते थे वो क्या था? इत्तेहाद, ईमान और तंजीम का। वी कैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग बाई रिमेम्बरिंग हिज एडवाइस टू द यूथ। हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं उनकी उस तलकीन को याद करके जो उन्होंने नौजवान नस्ल को की थी। वो क्या थी? इट इज़ नाउ अप टू यू टू वर्क, वर्क एंड वर्क। अभी आप पर है, पाकिस्तान जो है वो क़याम में आ चुका है, अभी आप पर है कि आप काम, काम और सिर्फ काम करें। एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड, और हम हमेशा कामयाब होंगे। We'll stop here for today. Inshallah, in our next lecture, हम grammar के topics को भी और exercises को भी लेकर साथ चलेंगे। Till then, thank you so much. Allah Hafiz.